औरंगी से जहां पुलिस मोबाइल कार लिफ्टिंग में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। अल्लावाला टाउन सेक्टर 31A में शहरी की कार घर के करीब से चोरी हुई। पुलिस मोबाइल से उतरने वाले शख्स ने कार चोरी की। वाकई की सीसीटीवी फुटेज अब मंजरेआम पर आ गई है और फुटेज में लगता है कि खड़ी कार को किस तरह से ले जाया गया है। वाकई का मुकदमा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया है। ये मनाजिर आप इस वाकये के देख रहे हैं। कोरंगी में पुलिस मोबाइल कार लिफ्टिंग में इस्तेमाल होने का इंकशाफ सामने आया। अल्लावाला टाउन सेक्टर 31A है जहां शहरी की कार घर के करीब से ही चोरी कर ली गई और पुलिस मोबाइल को वाज़े इसमें देखा जा सकता है कि पुलिस मोबाइल से शख्स उतरा जिसने ये कार चोरी की। सीसीटीवी फुटेज में तमाम मनाजिर बिल्कुल वाज़े हैं। खड़ी हुई कार को किस तरह से पुलिस से मोबाइल से उतरने वाला शख्स ले गया ये आप देख सकते हैं। पुलिस मोबाइल इस पर पुलिस दर्ज है। मोहम्मद काशान बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वाकये की मजीद तफसील जानेंगे। तो काशान, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? वाकये की फुटेज सामने आ चुकी, पुलिस मोबाइल का इसमें इस्तेमाल हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, जिला कोरंगी में पुलिस मोबाइल का कार लिफ्टिंग में इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। अल्लावाला टाउन में सेक्टर 31A में शहरी के कार घर के करीब से चोरी हो गई है। बॉल न्यूज को मौसूल होने वाली अली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। एफपीसी नुमा पुलिस मोबाइल गली में दाखिल होती है और सफेद शलवार कमीज में मलबूस कार लिफ्टर उतरता है। मुंसिम ने पहले गली का जायजा लिया, फिर कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। चंद सेकंड में गाड़ी स्टार्ट की और पुलिस मोबाइल को जाने का इशारा दिया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस मोबाइल और चोरी की हुई गाड़ी एक साथ गली के बाहर जाते देखी जा सकती है। मुबैना तौर पर पुलिस के पीछे भी बैठे थे। वाकई का मुकदमा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। यहां सबको सिर्फ एक मिनट मिलेगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लाखों करोड़ों बस एक मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।